की तरफ से कोई भी विकास नहीं हुआ है। खिलाड़ी लाल बैरवा की सीट की पड़ताल। विकास के दावों पर जनता से सीधी बात। हमारे रास्ते वास्ते ही कही हमने तो उन्होंने सब हमारे काम किए। बाजार में आए दिन पानी भरा रहता है। पिछले 4.5 साल में यहाँ गांव में पानी नहीं रखा है अभी तक। की तरफ से कोई भी विकास नहीं हुआ है। विधायक की कामकाज की ग्राउंड रिपोर्ट। गहलोत सरकारी बातों के ऊपर आई थी, उन्होंने कोई वायदे नहीं पूरे किए। पंचायत समिति नहीं थी, सरमुथला पंचायत समिति फादर चतरा। धौलपुर की बसेड़ी सीट का नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में। मैं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज बात करेंगे धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा सीट की। विश्व प्रसिद्ध लाल पत्थर के साथ चंबल के बीहड़ और पूर्व दस्तियों की शरण स्थली के रूप में पहचाने जाने वाले बसेड़ी पर्यटन के क्षेत्र में एक अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। बीते 4.5 साल में विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ, विधायक के वादे पूरे हुए कि नहीं हुए, या आज भी अधूरे हैं, करेंगे पूरी पड़ताल और जनता से करेंगे सीधी बात। पहले देखते हैं रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा की। इस विधानसभा सीट पर विधायक के द्वारा 4.5 साल में कितने विकास कार्य कराए गए हैं और कितने जो चुनाव के समय वादे किए थे वो अधूरे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको ये रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा सीट पर जो विधायक हैं उनके द्वारा 4.5 साल में कितने विकास कार्य कराए गए हैं और विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्या है। हमारे रास्ते वास्ते ही कही हमने तो उन्होंने सब हमारे काम किए विधायक जी ने। जो नाली की समस्या है वो आज तक नहीं सुलझी गई है। बाजार में आए दिन पानी भरा रहता है। लगभग हर एरिया में काम हुआ है। एक दो रोडों की प्रॉब्लम थी, उन पर भी काम जारी है। पिछले 4.5 साल में यहाँ गांव में पानी नहीं रखा है अभी तक। जो कि राज्य सरकार ने गहलोत सरकार ने जो विकास किया है वो गहलोत सरकार का विकास हुआ, विधायक की तरफ से कोई भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ सड़कों का कार्य करवाया है, कई जगह सामुदायिक भवन बनवाए, हेलीकट बनवाए हैं। यहाँ पे विकास के नाम पर कुछ नहीं करा गया, ये समझ लीजिए। बसेड़ी तहसील में विधायक के द्वारा विकास कार्य अच्छे किए गए हैं। आज तक बीजेपी किसी भी एमएलए ने किया जो इन्होंने कर दिया है। धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा सीट काफी पिछड़ी हुई सीट मानी जाती है। सर मथुरा में दमोह झरना मुख्य पर्यटन स्थल है। डांग क्षेत्र होने के कारण दस्युओं का आतंक यहाँ बना रहता है। क्षेत्र के ज्यादातर लोग कृषि और पत्थर व्यवसाय पर निर्भर हैं। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में स्टोन का अथाह भंडार छिपा है, जिस कारण यहां बड़ी संख्या में खाने और क्रेशर संचालित होते हैं। यही खाने और क्रेशर लोगों के रोजगार का बड़ा साधन है। 2007 में परिसीमन के बाद बसेड़ी विधानसभा सीट का निर्माण हुआ था। अब तक कुल 3 चुनावों में इस सीट पर बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को 1 बार जीत मिली है। राजनीतिक लिहाज से सीट हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। बसेड़ी सीट का सियासी गणित। 2008 में बीजेपी के सुखराम कोहली विधायक बने। 2013 में बीजेपी की रानी सिलोटिया विधायक बनी। 2018 में कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बैरवा विधायक बने। बसेड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला होता आया है। क्षेत्र में करीब 2 लाख मतदाता हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे बड़ी तादाद जाटव और मीणा समाज की है। 35,000 जाटव समाज के वोटर, 30,000 मीणा समाज के वोटर, 28,000 राजपूत समाज के वोटर, 20,000 ब्राह्मण समाज के वोटर, 20,000 गुर्जर, 20,000 कुशवाहा वोटर, 12,000 मुस्लिम, वैश्य 6,000 वोटर, 6,000 कोली, 6,000 कश्यप वोटर, 3,000 बघेल और 15,000 अन्य जातियों के वोटर हैं। बसेड़ी सीट पर रोजगार, विकास और अपराध बड़े चुनावी मुद्दे सुनाई थे। वहीं बदहाल सड़कें और पेयजल की समस्या को लेकर भी क्षेत्रवासियों में नाराजगी बनी हुई है।
पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, पत्थर व्यवसाय खत्म होने की कगार पर है, विद्युत व्यवस्था और सड़कें बदहाल हैं, अपराध को लेकर भी आक्रोश बना हुआ है। जो इस समय जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने जो वादे किए थे वादों के ऊपर, तो पूरी आप समझते हो पूरे गहलोत सरकारी वादों के ऊपर आई थी, उन्होंने कोई वादे नहीं पूरे किए, तो विधायक की क्या हैसियत है कि यहाँ से वादे पूरे कर देंगे? क्योंकि जो वहाँ पे वन विभाग के लिए एक डिमार्केशन होना चाहिए वो नहीं हुआ, और वो वन विभाग का भय दिखा करके जिस तरह से अधिकांश क्षेत्र को वो बेघर करना चाहते हैं, ये क्या मांग नहीं है क्या? ये होना चाहिए, क्योंकि आज 100 साल से लेकर के लोग जो उस गांव में रह रहे हैं वो फॉरेस्ट की जमीन है, क्या उनको बेघर कर दिया जाएगा? ये काम होना चाहिए। दूसरा विषय ये है कि हमारे जो बसेड़ी विधानसभा की जो लाइफ लाइन है वो है पत्थर व्यवसाय खनन, तो खनन की स्थिति ये है कि आज पत्थर व्यवसाय मूल रूप से खून के आंसू रो रहा है। खिलाड़ी लाल पैरवा मौजूदा विधायक होने के साथ साथ राजस्थान अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष भी हैं। उनका दावा है कि 4.5 साल के कार्यकाल में 14 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य किए गए हैं। 2 ग्राम पंचायतों को नगरपालिका में कन्वर्ट कराया गया है, सरमथुरा को पंचायत समिति का दर्जा दिलाया, नादनपुर जारगा को ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाया, कालीतीर योजना को मंजूरी दिलाई। पहले जो जब मैं चुनाव लड़ा था तो दोनों ग्राम पंचायतें थी, उन दोनों ग्राम पंचायतों को हमने एक तो नगर पालिका में कन्वर्ट किया, पंचायत समिति नहीं थी सरमथुरा, पंचायत समिति का दर्जा दिलाया। आपके जो एजुकेशन को अगर देखें तो एग्रीकल्चर कॉलेज जो कि संभाग में पहला है वो एग्रीकल्चर मैंने खुलवाया, 2 कॉलेज दोनों जगह आपके सरमथुरा में कॉलेज खुलवाया, 2 SC और ST के नाम जो खुलवाया हमने आपके छात्रावास, इसके साथ जो सबसे बड़ी योजना थी कालीतीर की वो हमने मेरे क्षेत्र से है जिसमें हमारा और बाड़ी का दोनों का ज़्यादा फायदा है वो हमने खुलवाया। ऐसे JJM के कई काम हैं जो किए हैं, ऐसे बहुत से क्या नाम है जो सड़कें हैं जो हमने बनवाई हैं। बसेड़ी सीट पर विकास कार्यों से ज्यादा जातिगत आंकड़े भारी पड़े हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट करती है। आज हम पहुंचे हैं बसेड़ी विधानसभा के बसेड़ी कस्बे में, और जहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि विधायक के द्वारा 4.5 साल में क्या विकास कार्य कराए गए हैं, जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, विधानसभा में कितने विकास कार्य कराए और क्या समस्याएं, इनको सभी को लेकर के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बाबा बताएं, विधानसभा में विधायक के द्वारा क्या विकास कार्य कराए हैं और क्या समस्याएं? नहीं साहब, बढ़िया काम कराया है उन्होंने। क्या कराया? हमारे रास्ते वास्ते ही कही हमने, उन्होंने सब हमारे काम किए विधायक जी ने, बहुत अच्छे काम करे। इससे पहले बसेड़ी विधानसभा में 2 विधायक भाजपा से रहे हैं, इसके बाद में तीसरी बार खिलाड़ीलाल बैरवा जी विधायक बने, उन्होंने 2 नगरपालिकाएं बनाई सरमथुरा और बसेड़ी, सरमथुरा पंचायत समिति बन गई, जारगा उप तहसील, नादनपुर उप तहसील, लगभग हर एरिया में काम हुआ है। 1-2 रोडों की प्रॉब्लम थी, उन पर भी काम जारी है, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, बाकी सब जगह काम हुए हैं। यहाँ सड़कों का कार्य करवाया है, कई जगह सामुदायिक भवन बनवाए हैं, एनी कट बनवाए हैं, और इस क्षेत्र में 2 उप तहसील जारगा और नादनपुर करवाए हैं। ये और भी बसेड़ी मतलब गंगा भाई दिया सा बीजेपी वाले ने करोना का जो, और जब तक कांग्रेस आई है कांग्रेस थाना तहसील कॉलेज एग्रीकल्चर एनी कट रोड जो कुछ विकास हुआ है बीजेपी के शासन में नहीं हुआ है, कांग्रेस के शासन रामकलाई में कोई समस्या नहीं रही। नहीं, थोड़ी बहुत समस्या तो है, लाइट पानी की समस्या है, नाले पानियों की समस्या है, ये तो समस्या है। आप बताएं, आप जहाँ रहते हो वहाँ क्या समस्या है? बसेड़ी के अंदर कार हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है वो होके रहेगा, अगली बार भाजपा का ही विधायक चुना जाएगा, चाहे समस्या कोई भी हो। आए दिन बिजली की समस्या रहती है, नालों की समस्या है, आए दिन बाजार में पानी भरा रहता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि अगली बार विधायक हमारे बीजेपी का ही चुना जाएगा। विकास कार्य नहीं कराए विधायक के द्वारा? नहीं, विकास कार्य हुए हैं चाहे नहीं हुए, सत्ता परिवर्तन तो होता है।
नहीं विधायक का विकास अब तक नहीं हुए हैं तो अब क्या होंगे? नहीं जो नाली की समस्या है वो आज तक नहीं सुलझी गई है, बाजार में आए दिन पानी भरा रहता है। सबसे पहले तो अपनी जो सड़क की हालत है वो बहुत ही खराब है। नादनपुर से जो बसेड़ी नादनपुर का सड़क है मासलपुर बॉर्डर तक जाता है, इधर से सरमतरा तक जाता है, वो सड़क बहुत ही खराब है। अब तक कोई सड़क उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ से ममोदन रोड से सैपुर रोड तक अब तो उस पर काम चल रहा है, लेकिन दो साल बहुत ही जनता परेशान रही है। विधायक जी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया और आने वाले समय में जो 4.5 साल निकल गए और कांग्रेस सरकार अपनी लड़ाई में गहलोत और उसकी सरकार के पायलट की उसमें एड़जी रही है, जनता के ऐसे कोई विकास कार्य नहीं हुए। आने वाले समय में बसेड़ी से बीजेपी का विधायक बनेगा, ये मेरी सभी जनता से अपील है। कांग्रेस सरकार ने विकास के नाम पर झूठ बोला है और ये बीजेपी की सरकार बने, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। ये तो विकास कार्य नहीं हुए, विकास कार्य कोई नहीं हुआ, झूठे वादे किए हुए हैं। जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ क्या समस्या है? नाली की समस्या है और जो गांव के रोड है वो मतलब ठंडे, मतलब सही से बने नहीं है, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। बसेड़ी तहसील में विधायक के द्वारा विकास कार्य अच्छे किए गए हैं और हमारे यहाँ पर बच्चियों को पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं थी, वो बसेड़ी में कॉलेज भी बनवाई गई है, कृषि मंडी की भी घोषणा की गई है और साथ में हमारे जो 300 बेड का हॉस्पिटल है वो भी उस पर कार्य चल रहा है और आए दिन उनका दौरा भी चल रहा है और अच्छे कार्य चल रहे हैं, ऐसे ही वो करते रहे। बसेड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक ने सरमथुरा और बसेड़ी के अंदर जो नगर पालिका सरमथुरा को बनाया, बसेड़ी को भी बनाया और जितने भी बड़े जो विकास के कार्य होते जैसे मंडी समिति, हॉस्पिटल निर्माण, कॉलेज की बच्चियों के जाने के लिए शायद सरकार की तरफ से अब किराए की सुविधा दी जा रही है, तो जितने बड़े कार्य वो अच्छे कराए गए हैं। आज तक बीजेपी के किसी भी एमएलए, यहाँ से पहले दोनों एमएलए रह चुके हैं लेकिन इतने बड़े कार्य किसी ने नहीं कराए। रही बात लाइट की, तो लाइट आ रही है लेकिन हाँ लाइट की समस्या कुछ है जो कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी, अगले कार्यकाल में पूरी हो जाएगी, लेकिन पूर्ण रूप से समस्या लाइट की नहीं है। दूसरी बात नाले की, जैसे कहते हैं तो नाले बरसात के टाइम में तो हो सकता है उसमें सरपंच जिम्मेदार हो सकता है या चेयरमैन जिम्मेदार रह सकता है, अकेले विधायक जी इसमें दोषी नहीं है, पर कुल मिला के कहा जाए तो विधायक के कार्य सराहनीय रही है। अगले जो 4.5 साल हैं विधायक जी के वो बहुत ही सराहनीय कर रहे हैं। एक साथ दो दो नगर पालिका देना, दो दो पंचायत समिति देना, नादनपुर और तहसील बनाना, उप तहसील जारगा, उप तहसील बनाना, ये सराहनीय कार्य हैं। अपने यहाँ कोटरा पर जाके देखो तो रिको फैक्ट्री है, हॉस्पिटल है 300 बेड का, उसके अलावा जो डिग्री कॉलेज दिए शायद राजस्थान में तीसरे चौथे नंबर की कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है धौलपुर जिले में नहीं है, जो अपने बसेड़ी में ला के रख दिया उन्होंने, भरतपुर संभाग में भी नहीं है, जो यहाँ ला के रख दिया उन्होंने। तो विकास कार्य की जाए तो आज तक बीजेपी किसी भी एमएलए ने किया जो इन्होंने कर दिया है, अब उन पर अनर्गल आरोप लगाए जाए तो वो गलत है। बसेड़ी में सबसे बड़ी समस्या है रोडवे बस स्टैंड नहीं है, यहाँ पर यात्री आते हैं परेशान होते रहते हैं, बस स्टैंड चल रहा है प्राइवेट जगह में और विधायक द्वारा नगर पालिका से सामंजस्य नहीं होने की वजह से किसी भी बसेड़ी में कोई कार्य नहीं हो रहा है। सभी कॉलोनियों में जल भराव, नाली की समस्या है, किसी भी कॉलोनी में खरंजा नहीं है जिससे आमजन, वृद्धजन एवं छात्र छात्राओं को बहुत परेशानी सामना उठाना पड़ रहा है। सबसे मेन चीज है कि बसेड़ी में प्रॉपर समस्या समाधान हो, नाली निर्माण हो और कॉलोनियों में खरंजा कराया जाए जिससे आमजन को राहत मिले और कॉलोनियों में बिजली की व्यवस्था की जाए जिससे रात में कोई परेशानी ना हो। साथ ही पुलिस चौकी बसेड़ी में स्थापित की जाए जिससे बसेड़ी बाजार में कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई भी छुटपुट घटना नहीं हो। जैसा कि सभी लोगों ने बताया, ज्यादा समस्या नाली की और लाइट की है, लाइट की समस्या डिपार्टमेंट की वजह से है, नाली की समस्या सरपंच चेयरमैन साहब इनकी वजह से है, सब चीज का ब्लेम हम एमएलए साहब को नहीं दे सकते हैं। अपनी एक निजी खिज हो तो फिर उन पर कुछ भी कितना भी विकास करा ले कोई आदमी आरोप लगा सकता है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए किसी आदमी से पूछ के कि क्या क्या कराया है, तो भाई साहब बोले थे नादनपुर वाला रोड अभी गहलोत साहब आए थे बाड़ी, वो स्वीकृत हो चुका है, और एग्रीकल्चर कॉलेज एक यहाँ पे अपने करवाई है बैरवा साहब ने, और वो कॉलेज है ना भरतपुर संभाग पूरे में नहीं है वो कॉलेज, और टॉप कॉलेज है यहाँ पे, आप कॉलेज जाना, कॉलेज का स्ट्रक्चर देखना, बिल्डिंग देखना, उसमें कितना मतलब विकास कार्य किया हुआ है, और कृषि मंडी पहुंचा दी गई है,
ठीक है। और आप भाई साहब बोले बस स्टैंड की कोई वो नहीं है, बस स्टैंड के लिए जमीन स्वीकृत हो चुकी है, आने वाले अगर 5 साल में बैरवा जी को जनता मौका देती है तो वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। एजुकेशन को भी अगर आप देखें तो बहुत स्कूलों में सब्जेक्ट्स खुलवाए हैं, क्रमोन्नत करवाए बहुत से हमने स्कूल से, और काफी मात्रा में हमने जो विशेषकर ये कह सकते हैं कि एक हेडपम्प्स और क्या नाम है पानी के काम भी हमने बहुत करवाए हैं। संध्यापुरी एनीकट एक इतना बड़ा काम है जो हमने हमारे क्षेत्र में करवाया है, एक हमने मंडासिल में भी एनीकट का क्या नाम निर्माण करवाया है जिससे कि फसलों में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हमने दोनों जगह मुंसिफ कोर्ट खुलवाए हैं जो कि बिल्कुल नहीं थे, बाड़ी सरमथरा में भी और बसेड़ी में भी। उप तहसील बनवा दी मैंने नादनपुर और जारगा, क्योंकि बहुत बड़े क्या नाम है ये अचीवमेंट की ओर है। भाई जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि हमारा जो जिसको हम जनप्रतिनिधि चुने वो जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रहे। क्या मैं विधायक जी से पूछ सकता हूँ कि जे आप 6 महीने पहले तक आप कहाँ थे? जनता ये मन मना रही थी कि हम विधायक की रिपोर्ट लिखे कि हमारा विधायक लापता है, जयपुर से 1 और 5 तारीख के बीच में आना, 20 से 25 तारीख के बीच में आना, आखिर इसके पीछे राज क्या है, इसकी जांच का एक विषय है। दूसरा सबसे जो पहलू है, आज जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है आज इनको जनता याद आ रही है, आज इनको किए हुए वादे याद आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखो, शिक्षा की स्थिति ये है कि स्कूल खुल तो खोल दिए परंतु तो उसमें अध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हॉस्पिटल खोल दिए, हॉस्पिटलों में किस तरह की बदतर स्थिति है, जो उनके चाहते हैं उन डॉक्टर का इच्छित जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, कोई वहां काम करने को तैयार नहीं है। तो ये जो सब स्थितियां ऐसी हैं कि जो राज्य सरकार की तो नाकामी है ही इसमें, विधायक की विफलता ज्यादा है। क्योंकि विधायक की विफलता इसीलिए है क्योंकि एक तरफ कहीं एक पक्ष को साधने का प्रयास करते हैं, कहीं दूसरे पक्ष को साधने का प्रयास करते हैं, तो ये दोनों पक्षों को साधने के चक्कर में अंततः बसेड़ी की जनता पिस रही है। विधानसभा में 4.5 साल में विधायक के द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए हैं और क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में, इस सभी को लेकर के यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बाबा 4.5 साल बीत गए हैं, विधायक के द्वारा आपके क्षेत्र में क्या विकास कार्य कराए गए हैं, क्या समस्याएं हैं? कछु समस्या ना से कोई काम ना आयो, कोई काम ना आए करायो। बाबा आप बताएं, जो आप बसेड़ी विधानसभा के बरौली गांव के ही हैं आप रहने वाले? कछु काम ना करायो। कुछ नहीं कराया है? कुछ नहीं कराया। आपके गांव में क्या समस्या क्या है आपके गांव में? समस्या कमी है सर। यहाँ तो कोई काम ना करा, काऊ विधायक ने अभी तक 5 साल तो नहीं, 10 साल तू ना कराया हो, ये कहू कोई तो यहाँ कोई आता नहीं है, केवल चुनाव पे आते हैं वोट मांगने के लिए, फिर बाद में कोई पूछता नहीं है। समस्या तो कछु ना है, और समस्या ही समस्या, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाभ नहीं है, कहने का मतलब ये। कॉलेज आई गांव में, कॉलेज उठा के ले गए, जो कॉलेज हमारे यहाँ मंजूर हुई, सर्वे हुई जमीन में, उसको भी ले गए यहाँ से, सरमतरा पहुँचा दी। आप बताएं क्या समस्या है यहाँ? अब समस्या यही है भैया कि कछु नाने दयो झेठोनी, सरकार ने बिल्कुल ही कछु ही देखो नाने एमएलए ने कछु आए के एरिया। हाँ तो पूछ लियो मैंने, तो देख जाऊ आप है तो हमारे काम में जिन दिन से विधायक हुआ है उस दिन से अभी तक गांव में पंप नहीं रखा है, और ना कोई कार्य हुआ। एक कॉलेज आया हमारा, उसको भी यहाँ से ले गए, कोई काम नहीं हुआ है विकास के मामले में। बाबा बताएं आपके यहाँ क्या जो विकास कार्य कराए गए हैं? क्या कोई विकास कार्य नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। एमएलए को हमने सूचना करी थी कि एमएलए हमारे यहाँ कोई गमी है, यहाँ काम में तो कम से कम आना चाहिए, आपको आता ही नहीं है बिल्कुल। बसेड़ी या बाड़ी यहाँ कस्बा है, आप वोट तो हमारे यहाँ है तो नहीं, वोट तो है, कोई विकास कार्य नहीं। समस्या तो काफी है, हमारे
कौन सी समस्या बताने समस्या है। अरे समस्या गाँव में मकदी पड़ी है, बस ये कहो ने कुछ नहीं नहीं सेटा नहीं तो बकास कचू ना है उस भाई, क्यों भाई कॉलेज भाई दो तीन चार सर्वे है रही विधायक के कार्यकाल में। अब तो जी चुनाव भैया तो हमारे कुआ उन्होंने बुला को कुआ घर पे आए हुआ है वो तो और कु काम ना करे विकास से सुन ला दीवानी कुआ बाई को आदमी हुए ये सब रास्ता पैसा और जाम लगने सब बंद पड़े हैं वो रास्ता ना खुलवा लो कहूँगी पूरी समस्या ही समस्या गाँव के अंदर। पर बताओ एक वो पहले जी सुखराम है बुजुर्ग आते जाते अबू आते बुजुर्ग रहे बस उन्हें वो सब बिल्कुल घूमू रहा था। मांग थी सबसे पहले एक पुल की जो यहाँ का जो लासपुरा के पास में नदी है उससे क्या आगमन बढ़ जाता है, यहाँ थोड़ी बहुत वो हो जाती है इससे क्या कहते हैं धंधा बढ़ जाता है इससे क्योंकि इससे जाते हैं इधर से घूम के आते हैं तो 20 किलोमीटर फिर पड़ता है उनका सबसे पहले श्रमता होकर नहीं जाना पड़ता यहाँ से।